उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। अच्छा, इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ठीक है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। समझ गया, रुको जरा, सबर करो। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की, आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा दो चार महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है, 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। 9 साल में वो कर दिया जो 75 साल में कोई नहीं कर पाया। पूरे देश में इतनी सरकारें आई, 55,000 करोड़ का देश में कर्जा किया, ठीक है जी, ये आए 9 साल में 1,55,000 करोड़ कर दिया सीधा कर्जा। अडानी जी तरक्की कर रहे हैं, देश की तरक्की नहीं हो रही। हम 112वें नंबर पे पहुंच गए फूड हंगर इंडेक्स में, 112वें नंबर पे। बात तो सही है। सनातन जाति प्रथा को बढ़ावा देता है जो ये लोग कह रहे हैं। जाति एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं, 4। हमने कथा में कई बार कहा हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, ये 4 एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि वो देश की रक्षा करे, ठीक है। वैश्य की व्यवस्था है आर्थिक रूप से वो देश को मजबूत रखे, और शूद्र की व्यवस्था है कि वो तीनों का साथ दे। और बात करते हुए जाति जाति, अब जाति का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं खुद ही सारी वर्णों का व्यवस्था हूँ, अब देखो कैसे। मैं मान लो मैं डॉक्टर प्रकाश, मैं डेंटिस्ट हूँ। अब मान लो मैं जाता हूँ सुबह सुबह तो भगवान को पूजा करता हूँ, मंदिर में धूपकाठी दिखाता हूँ, अपने भगवान को याद करता हूँ, तो मैं उस टाइम पंडित बन जाता हूँ। जब मैं अपने हॉस्पिटल में गया, वहाँ काम किया, पेशेंट का इलाज किया, देखरेख किया, तो फिर क्या हुआ, मैं शूद्र बन गया, नहीं शूद्र या वैश्य बन गया। उसके बाद जब मेरे परिवार पे कोई आक्रमण किया, जब मेरे हॉस्पिटल पे कोई खतरा आया, जब मेरे धर्म आस्था पे कोई खतरा आ गया, तो उसके लिए जब मैं लड़ाई किया तो मैं क्षत्रिय हो गया। तब सब काम करके मैं घर में लौटा, और जब अपने घर में मैं अपने घर का झोल झाड़ रहा हूँ, झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, तब मैं शूद्र हो गया। तो बोलने का मतलब है मेरे भाई, आज के डेट में हर इंसान हर कुछ है, इसको बांटो मत, सोचो। कास्टेड की बात ही आ रही है, इंसान हाल चाल काम किसी के नाम से ज्यादा कास्ट के बारे में पूछता है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि एक दलित का भी कर्म बढ़िया रहता है तो वो पंडित क्यों नहीं बनता। जी, दलित का कर्म बढ़िया है नहीं, शुरू से पूर्वजों से। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, उस सब जमाने के भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका भी कोई उत्तम कार्य नहीं था। भीमराव अम्बेडकर का नहीं था? नहीं जी। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से कि कर्म से? कर्म से। कर्म से, कर्म से। तो कर्म से तो भीमराव अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे, संविधान का निर्माता हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्राह्मण कर्म से कि जन्म से? कर्म से। क्या कर्म किया क्या ब्राह्मण बन गए? बताए क्या कर्म किया क्या ब्राह्मण बन गए? ब्राह्मण कुल में पैदा लिए आप, कंठी माला पहन लिया, ब्राह्मण बन गए। क्या कर्म किया? क्या अच्छा किया जो हम लोग का जो जाति पैसा है, जो ब्राह्मण जाति पैसा है, तो आपने बोला कर्म से, तो जाति पैसा कैसे आ गया पंडित जी? पंडित जी जो जैसा जैसे ब्राह्मण, मैंने आप पंडित जी में पैदा ले लिए, आपका बेटा दारू पीकर नली में गया, तो पंडित जी प्रणाम कर रहे हो हम। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यो हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। सॉरी। 15,000 का आटा होगा ना, हम तो अभी ले लेंगे। उम्र क्या है तुम्हारी? 19। वोट पहली बार वोट दोगे या दिया है? पहली बार। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में सबको, उनकी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी ने सबको जितना किया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। इस देश का 19 साल का नौजवान राम मंदिर के नाम पे वोट देगा? देगा, क्यों नहीं देगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं कोई दो काम। No, 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 no.
क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं ढूंढ रहा हूँ मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा एक मिनट बात सुन भाई, क्या मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। दुर्भाग्य है कि भारत का अधिकांश युवा ऐसे सफल लोगों को फॉलो नहीं करना चाह रहा है जो राष्ट्र की तरक्की के लिए युवाओं को मेहनत करने की सलाह देते हैं। भारत का युवा आजकल ऐसे झूठे और मक्कारों को अपना आइडल मान रहा है जो जिस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं उसका कभी प्रयोग नहीं करते। बात तो सही है। यहाँ तक तो ठीक था। कुछ एक बेवड़ी सेलिब्रिटियां हैं जो समाज में गुटखे के प्रचलन को बढ़ावा दे रही हैं, और कुछ तथाकथित सेलिब्रिटियां समाज में दारू के प्रचलन को बढ़ावा दे रही हैं। दारू पीने के बाद गाली देनी पड़ेगी, उसके लिए इन छपरियों ने ठेका ले रखा है समाज में गाली सिखाने का। शराब पीने के बाद आपको जुआ खेलना है तो गैम्बलिंग ऐप की भी समाज में व्यवस्था बहुत अच्छे से की जा रही है। जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं वही समाज के युवाओं को गलत दिशा में भेजने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप सभी से निवेदन है कि युवाओं को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें। देश का आपके ऊपर कर्ज है, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, बदले में आप युवाओं को सही दिशा दिखाइए, यही आपका धर्म है। बुरा लगा। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। के लिए जिम्मेवार कौन है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की माँ बहनों पर अन्याय किसने किया? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहाँ पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो फूलमाला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास तक। फिर हर गली में बना देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम करने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता। बात तो सही है। और मोदी युवा सिर्फ यही करता, समझे कि नहीं? 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या पता है? जब भी अपने कमरे से बाहर निकलो तो संगति का विशेष ध्यान रखो। मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो विचार और ऊर्जा आती है उसका प्रमुख स्रोत आपकी संगति ही है। आपको यकीन नहीं होता तो इस उदाहरण से समझिए। अच्छा कुमार जो नंदू को सिगरेट पीने और फूफू करने से रोकना था, अच्छा कुमार ने अपनी संगति बदल ली और वो इन बेवड़ों की संगति में आ गया। तो जो व्यक्ति दूसरों को सिगरेट पीने से रोकता था वो खुद गुटखा खाने लगा। जिंदगी का चक्कर क्या है? आप देखिए, बंदा जो है वो फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े और समोसे खाता है, फिर वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर रिश्तेदारों के लाए हुए फल फ्रूट खाता है, और रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं। ये है जिंदगी का चक्कर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। No.